हाँ इस बार कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया, 11-12 से बच्चे आए हुए हैं ना इंडिया, सर ओह माय कुछ गॉड। ज्यादा ही। सो हेलो साहिद, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और सब बढ़िया? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। लुक वुक चेंज कर लिए, पूरा बाल बाल बढ़ा लियो। तो हाँ, तो जब से आए हैं तब से तो बाल कटाए नहीं है, तो इसलिए बढ़ गए हैं कुछ ज्यादा ही। अभी रशिया के कौन से यूनिवर्सिटी में हो? भास्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उफा में अच्छा, तो वहां जी। से कितनी दूर है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी? जैसे एयरपोर्ट वगैरह है वहां से, क्या कन्वीनियंस वगैरह हाँ, जाने? एयरपोर्ट पे तो लगभग मुझे लग रहा है 10 किलोमीटर के अप्रोक्स के अंदर ही था। और कॉलेज का क्या सिस्टम है पढ़ाई वढ़ाई? अभी यूक्रेन से तुम ट्रांसफर लेके जैसे गए हो, तुम तो ट्रांसफर क्या लिए तुम ट्रांसफर कहाँ तो? भैया, ट्रांसफर कहाँ, रीएडमिशन। ट्रांसफर मिल जाता तो शायद कुछ और ये अच्छा होता। और भी बच्चे गए तुम्हारे ईयर के तुम्हारे साथ वाले यूक्रेन से, या तुम ही अकेले हो? जान पहचान का कोई? नहीं नहीं हमें, हाँ बहुत सारे हैं मेरे कॉलेज के, तो बहुत सारे हैं मेरे क्लास में। तो अधिकतर जो 30 बच्चे उसमें से मुझे लगता है 20 से 25 हमारे कॉलेज के हैं। अच्छा, विनीत के। हाँ 20+ तो हो गए जो मेरे ग्रुप के हैं, मतलब जिस अभी जो जिस ग्रुप में मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब भास्कर बहुत पॉपुलर है यूक्रेनियन, मतलब विनिच्छा वालों के लिए। हाँ इस बार कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया, 11-12 से बच्चे आए हुए हैं ना इंडियन ओ माय सर, कुछ गॉड, ज्यादा ही ये बहुत ग्यारह ज्यादा सौ आ गया बारह है। कोई सौ ट्रांसफर वाले स्टूडेंट है या न्यू स्टूडेंट है? टोटल फर्स्ट ईयर के है, उसमें सारे इंडियन, सिर्फ ये इंडियन बता रहा हूँ आपको, टोटल कितने फर्स्ट ईयर के नहीं पता, बस रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतने लड़के आने का वैसे तो रूल बने, इतने सारे इतने वीर हो, कोई इज्जत नहीं दे रहा, क्या बताऊँ आपको। यूक्रेन जैसे 1 साल पढ़े हो, उसके बाद रशिया गए हो, क्या डिफरेंस नजर आया? कौन सा अच्छा है? यूक्रेन में पढ़ना ज्यादा इजी था, या पढ़ाई का पैटर्न जो है वो यूक्रेन का ज्यादा अच्छा था या रशिया का? पैटर्न पैटर्न तो भैया सेम ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। वहां भी ऑस्ट्रियो स्टार्ट हुआ था, इधर भी एनआर में ऑस्ट्रियो ही है, अच्छा, इस्टो ऐसी सेम चल रहा है, वही जो बेसिक पढ़ा रहा है वही वो भी पढ़ाती है। बस टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर कौन पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, उस पर डिपेंड करता है, वेरी करते हैं। रशिया की ज्यादातर यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है, मतलब रशियन में भी पढ़ाते हैं इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। यूक्रेन में ऐसा नहीं था, अगर इंग्लिश का कोर्स है तो ज्यादातर टीचर इंग्लिश में ही पढ़ाते थे, इंग्लिश जानते थे और इंग्लिश में ही सारे एग्जाम होते थे। तो रशिया का सबसे बड़ा ये मिथ है कि बाइलिंगुअल चलता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे एग्जाम वगैरह रशियन लैंग्वेज में होता है क्लास में? हाँ यहाँ मैंने सुना तो था, यहाँ भी ये भी इस तरह कॉलेज बाइलिंगुअल ही था आई थिंक, मुझे लग रहा 3 साल पहले, बट अभी इंग्लिश कर दिया गया। बट अभी भी कुछ कुछ ऐसे टीचर है जो क्लास में रशियन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश नहीं आते हैं, थोड़े रशियन बोलते हैं, तो हम लोग जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं, चलो भाई तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, हमें रशियन नहीं आती है, मैनेज हो जाता है हाँ फिर। बराबर हो जाता है, तो सही बात है। लेकिन बहुत टीचर है जिसको इंग्लिश अच्छे आते हैं। नहीं, मेन सब्जेक्ट जितने भी होने चाहिए उनका इम्पोर्टेंट है, वो इंग्लिश में होना चाहिए। जी जी हाँ, तो कुल मिला के पढ़ाई वगैरह में इतना कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिक्टनेस कैसी है, टीचर कितने स्ट्रिक्ट है? टीचर यहाँ की सही है, वहाँ यूक्रेन में स्ट्रिक्ट थे, तो उसका एक फायदा था कि मैं पढ़ के जाता था, मैम वगैरह जो भी देती थी उसके लिए प्रिपेयर होता था। यहाँ भी करते हैं बट मतलब स्ट्रिक्ट ठीक है, उतने नहीं है बट सही है और खाने जी। पीने का क्या सिस्टम है, रहने वहने का? रहने वहने का हॉस्टल है भैया, 7-8, शायद 7 हॉस्टल है टोटल, 7 हॉस्टल? लेकिन ये तो जी टोटल डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हॉस्टल पास में ही है, कॉलेज के कैंपस में ही है, फिर सेकंड 1/2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के अप्रोक्स है, फिर 7-15 किलोमीटर जिसमें मैं हूँ अभी, 7th में 15 किलोमीटर तो इतनी दूर 7 नंबर क्यों चूज किया भाई? वो खेलते कुछ पर। मैंने बोलते? अच्छा, भैया मैंने चूज नहीं किया, यहाँ बहुत सारे दोचे वोचे हैं, ऐसा कुछ नहीं, पहले तो रैपिड में फेंका था, फिर वहां से कुछ ऐसे मैनेज करके डीन विन से बात करके फिर इधर लिया। वन में ऐसे भी नहीं जाना था, वन मिल जाता, वन कोशिश करता और ट्रैवल करता तो मिल जाता जी। वन में बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, मतलब मोस्टली उधर ही है वन में ही। खाने पीने का क्या है, खाने पीने का क्या है, वहां भी जैसा था खुद बनाते थे, यहाँ भी ऐसा ही सीन मैस वैस खरीद तो के नहीं है लाओ ना? सामान में। मेस भी है, मेस का पता नहीं मुझे तो आज तक कहीं सही नहीं लगा था, इंडिया में रहते थे तो भी मेस नहीं करते थे, यहाँ भी वही सीन है, नहीं, ऐसा कोई खुद ही सेल्फ कुकिंग करते हैं। फोर्स तो नहीं है ना कि तुम हॉस्टल में रहोगे तो मैस नहीं ही? नहीं 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 ऐसा फोर्स वोर्स कुछ नहीं है भैया, आप पे डिपेंड करता है, आप खुद से बनाओ या मैं ज्वाइन करो, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, यूक्रेन में जैसे सब कुछ मिल जाता था, आटा दाल चावल सब चीज, मतलब मोस्ट ऑफ थिंग्स थी, हाँ थोड़ी वेज की प्रॉब्लम जी, थी? यहाँ भी ऐसी ही है, हर चीज मिल जाता है, बगल में ही हर चीज है, मैग्नेट है, पेट्रोज का बहुत सारे शॉप है। अच्छा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है? रूबेल में 2 लाख ऐसी समथिंग है, इंडियन में 3.5-4 लाख ऐसे वो पड़ तो जाते हैं एनआर करंसी में। के ऊपर डिपेंड करता है, अगर फीस किसी को भरना हो तो हाफ हाफ करके भर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ मैंने तो भैया हाफ ही करके भेजा, सेमेस्टर के हाफ करके दो टर्म में मैंने पेड किया है। कॉलेज जो भी बोलिए भैया कॉलेज अच्छे थे, वो एक ही कैंपस थे सारे, उसी के अंदर हर चीज बिल्डिंग है, हर फैकल्टी तो होती यहाँ है, दूर दूर है क्या कैंपस वगैरह? दूर नहीं ज्यादा, बस वही है कि बिल्डिंग से एक लोग कभी कोई 100 मीटर कोई ऐसी बगल में ही आसपास ही है। कुछ कुछ जैसे हॉस्पिटल जाना पड़ता तो वो दूर है, जल जैसे नर्सिंग क्लास व्लास लगता है तो उसके लिए जाना पड़ता है दूर। अच्छा, वहाँ पे कौन सा कार्ड यूज करते हो, इंडियन कार्ड यूज करते हो या रशिया का बैंक कोई बनवायो कार्ड? नहीं, रशियन बैंक है, टिंकॉफ करके है, या तो सबेट बैंक है,
तो उसमें INR ट्रांसफर हो जाता है इजीली। INR ट्रांसफर थोड़ी, वो तो मैनेज करना पड़ता है ना, INR को मैनेज कीजिए, चेंज कीजिए, डॉलर में USDT खरीदिए, फिर USDT को बेचिए, सेल कीजिए, तो रूबल में रूबल आएगा आपका। पर मंथ का अगर मैं कॉस्ट कहूँ अभी रहने का हॉस्टल में, तो जैसे पर मंथ पे करना कुछ है नहीं, बस खाने का खर्चा है, वो ऑलमोस्ट कितना आ जी जाता है? एज यूजल, मतलब जो लड़का बाहर कुछ खाता वाता नहीं है, जिसको ये हॉस्टल से मतलब है, जो हॉस्टल से निकल के कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल, बाकी मतलब उसको बाहर की दुनिया से नहीं मतलब, तो मुझे ऐसा लगता है उसको 12,000 INR में हो इतना तो जाता है नॉर्मल मीन्स है, की 12-15 हज़ार तक सबका लग हाँ, जाता है इसमें। तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये उसका लिए काफी है, मेरे लिए तो नहीं है। अच्छा, प्राइसेस क्या है यहाँ से, ज्यादा है या कम है फूड्स के? मांगे है राइस के प्राइस भी मांगे है, और दाल के, मतलब मोस्टली मुझे कपड़े के, कपड़े से पूछे ना, कपड़े के तो बहुत ज्यादा मांगे है 100 भी तो ये। ज्यादा है ना यार, शायद काम माइनस हाँ पे हाँ ठंड तो मत पूछिए, लास्ट -37 ना वहां पे, कहा कितना था भैया, मुझे ऐसा लग रहा है 17 तक गया था, 17-18 तक गया था, इतना बीस भी तक नहीं गया जाता है, होगा -8, 9, 10 ऐसा बहुत रहता है। वो, मैं रेयर केस में गया होगा वो 1 या 2 दिन, यहाँ -35-37 जो था ना, कितने दिन, 2 से 1 एक वीक लगातार शायद था। और हॉस्टल वगैरह का क्या नियम है, मतलब सेफ्टी की बात करें तो वार्डन वगैरह कैसी है? हॉस्टल सही है, मतलब दूसरे हॉस्टल में आप घुस नहीं सकता, अगर आप जैसे मैं इस हॉस्टल का हूँ भैया, तो हाँ अगर मैं किसी में, जैसे मेरा भाई रहता है, कजन रहता है फोर्थ में, तो मैं फोर्थ जा नहीं सकता, अगर मुझे उससे मिलना है तो मुझे बाहर कॉल करके बुलाना पड़ेगा, गेट से बाहर ही मिल सकते हैं, बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने दो? अंदर नहीं भैया, अंदर तो अलाउ ही नहीं है। अच्छा, आप ये अपने होटल का कार्ड भी दिखा दो तो शायद ही पॉसिबल है कि वो कुछ देर के लिए अलाउ कर दे, बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अलाउ करे। ठीक रशिया अगर किसी को जाना हो तो क्या कहोगे? है भाई, जो इतने निकल रहे, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास। हाँ, बस नीट ये हो रहा है कि खुद में सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं जा रहा हूँ तो मैं पढ़ लूंगा, मैं कर लूंगा, बस इतना, इसके अलावा और कुछ नहीं, खुद से पढ़ो, खुद से निकालना पड़ेगा हर चीज, किसी डिपेंड तो नहीं होना पड़ेगा कि यहाँ पढ़ाएगा ये, वो पढ़ाएगा तभी तो होगा कुछ। तो तुम्हारा तो ये है ना शाहिद, तुम्हें पता होगा कि 18 जी नवंबर 2021 के बाद वाला बैच है तुम्हारा, तो तुम्हें वहाँ पे लाइसेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा और इंटर्नशिप भी करके आना पड़ेगा, ये तो पता होगा? जी भैया, जी भैया, उस सब को लेकर तो कोई टेंशन नहीं है? नहीं वो अभी टेंशन लेके क्या करना, पहले मैं इधर ही कर लेता हूँ, फिर देखा जाएगा उधर का, बट अच्छा। इतना तो है कॉन्फिडेंस कि पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। पहले अगर हार मान ले कि नहीं होगा, दूसरा इंटर्नशिप है, ये है वो है, तो फिर आए क्यों, यही सब सोचना होता था, अब आगे तो इंशाल्लाह करके ही आना। चलो ठीक है फिर, शायद अच्छा लगा मिलके भाई। मे भी ये वीडियो कुछ लोगों को हेल्प करेगा जो रशिया में भास्कर यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, क्वेश्चन आते रहते हैं कि रशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। मेरा दोस्त पास आउट हुआ है जस्ट इसी ईयर, एंड उसका MCI भी क्लियर हुआ, तो इसलिए मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था कि भास्कर में जाओ, तो वही मेरे को पॉजिटिव रिव्यू देखना था तुम्हारे से कि भाई कैसा है, सच में अच्छा है कि नहीं, बस। तुम्हें आया था, आपके सजेशन पे तुम्हें आया था यहाँ पे कि चलो भाई देखते तो हैं। रिग्रेट वगैरह तो नहीं हो रहा ना किसी और यूनिवर्सिटी में? ठीक रहता रिग्रेट नहीं हुआ है, बस वही रूल कुछ ज्यादा है यहाँ के, देखो, वो हर कायदे जगह कानून है, ज्यादा है। वो हर जगह है, देखो वो हर जगह है, हाँ एंड वो है हर जगह, सही बात है। तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही है शायद, वो हमारे लिए ही बनाया जाता है रूल्स। चलो ठीक है शायद, मिलते हैं फिर कभी।